माघ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को देश भर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 645वीं जयंती बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाई गई। बेटमा में भी संत रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली, तो वहीं समीपस्थ ग्राम काली बिल्लोद में शोभा यात्रा निकलने के पश्चात गुरु कृपा भजन मंडली द्वारा संत रविदास जी महाराज के एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों एवं सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों का साल श्रीफल एवं पुष्प माला के साथ अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने बंधुत्व एवं आत्मभाव को जागृत करते हुए दुनिया को सामाजिक समरसता का मंत्र दिया। रविदास जयंती कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ शिक्षक प्रहलाद सिंह चौहान, भजन गायक गिरधारी लाल परमार एवं समाज सेवी रामचंद्र परमार आदि का सम्मान किया गया। सांसद प्रतिनिधि नीलेश उपाध्याय ने संत द्वारा बताए गए सतमार्ग एवं उनके उपदेशों पर प्रकाश डाला। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। संत रविदास की जयंती मना रहे हैं 16 फरवरी को। महान संत गुरु रविदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म सन 1433 में काशी में हुआ। जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार पर हित भावना, सद्व्यवहार, अभिमान, त्याग, विनम्रता एवं शिष्टता के व्यवहार को जन जन तक पहुँचाना। आजादी के अमृत महोत्सव पर उनकी जयंती व्यापक स्तर पर मनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, यह अभूतपूर्व है। आज संत श्री रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम काली बिल्लोद में भजन संध्या एवं समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में सभी पंचायत को आदेशित करके सभी 3,800 पंचायतों पर आज इस आयोजन को किया जा रहा है। संत रविदास जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज में विकृति हटा करके समरसता का भाव खड़ा किया और समाज एक माला में कि एक सूत्र में पिरोए करके समाज का उत्थान और एक संगठित होकर के समाज का निर्माण हो, ऐसे विचारों के साथ उन्होंने काम किया। ऐसे संत की पुण्यतिथि पर हम सत सत नमन करते हैं और आयोजक काली बिल्लोद पंचायत का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।